लूपहोल मिल गया है बीरबा। अब बालवीर की दिवाली में रोशनी नहीं, डार्कनेस होगी। अरे तुम्हारे काला चश्मा पहनने से बालवीर के दिवाली में अंधेरा नहीं होने वाला है। नहीं, मतलब मेरा मतलब ये है कि क्या योजना है तुम्हारी, जरा खुल के बताओ हमें, हमें भी तो पता चले। इस दिवाली मेरा प्लान है एक बड़ा धमाका, एक ऐसा धमाका जिसको सुनकर दोनों बालवीर हो जाएंगे टेफ और रिजल्ट देखकर डाउन। सपना था, आज तक इतना बुरा सपना कभी नहीं देखा मैंने। बालवीर, मेरा सपना साधारण नहीं हो सकता। ये सपना कोई अंदेशा है, कोई मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उन्हें। नहीं, मुझे सपने का साथ जानना ही होगा, इसके पीछे का राज पता लगाना ही होगा और सजग भी रहना होगा, ताकि मेरे अपनों पर, मेरे परिवार पर कोई आंच ना आ सके।
देबू, तुमने सीढ़ी क्यों पकड़ी हुई है? क्या हुआ? माँ, वो सीढ़ी फिसल ना जाए इसलिए। अरे क्यों फिसलूंगी, पहली बार थोड़ी कर रही हूँ। हाँ माँ, लेकिन आप इतनी ऊंचाई पर है, सावधानी तो रखनी पड़ेगी ना। सावधानी? हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। अरे ये पंखा बहुत गंदा हो रहा था। हाँ दीदी, ये सही कहा आपने। ये भी तो हो सकता है कि खतरे का संकेत विवान या खुशी के लिए हो। रुक जाओ विवान, खुशी। तुम दोनों का ध्यान कहां पर है? ध्यान से चलना चाहिए ना, अगर ये चाकू लग जाता तो। पर देबू भैया, चाकू तो टेबल पे रखा है, हमें कैसे लगता? अरे जमीन गीली है, अगर गलती से पैर फिसल जाता तो लग सकता था ना, तुम्हें चोट भी लग सकती थी। भैया अगर ऐसा है तो अगर हम बाहर जाएंगे तो कोई गाड़ी हमें टक्कर मार देगी, और अगर हम घर में ही रहेंगे तो कोई पेड़ की ब्रांच टूट कर विंडो को लग सकती है, और उसका कांच गिर कर हमारे पैर को लग सकता है। विवान मजाक करना बंद करो, तुम्हें माँ खुशी दादाजी सबका ख्याल रखना चाहिए। फिर भी लेकिन भैया आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वही तो देबू बेटा, अच्छा सोचोगे ना तो अच्छा होगा, और बुरा सोचोगे नहीं होना होगा ना तो भी हो जाएगा। लेकिन माँ, माँ शायद सही कह रही है, मैं बेकार में ही परेशान हो रहा। अच्छा देबू एक काम करो ना, छेड़ा जी की दुकान से जरा घी ले आओ ना। अब ठीक है माँ। और उसके बाद तुम लोग सब फ्रेश होके नए कपड़े पहन लेना, आज दिवाली है। अरे चलो तुम लोग, पूरा अभी हॉल साफ करना है, बहुत काम है। चल चल। यही सही समय है अनन्या पे वार करने का। रे राइट लेडी पीपा, इस वक्त अनन्या के सिवाय कोई भी नहीं, बस अनन्या को ये मैजिकल बैंगल पहनाना है, जॉब डन। हाय अनन्या। ओ हाय, तुम यहाँ कैसे? क्यों, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? हुई ना, ऑफ कोर्स हुई। वैसे मैं यहाँ तुम्हें दिवाली विश करना आया था, हैप्पी दिवाली। तुम्हें भी हैप्पी दिवाली। और एक छोटा सा गिफ्ट भी लाया तुम्हारे लिए। वाओ, गिफ्ट मेरे लिए? यस। वाओ, दिस इज सो प्रिटी, इजंट इट? अब एक मिनट, एक मिनट। तुम्हें मुझे गिफ्ट देना ही है ना, तो आज शाम को दिवाली पूजा के बाद देना। वैसे भी आज मेरा थोड़ा स्पेशल डे है, ठीक है? I'll see you, bye. रे को नो बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें ये बैंगल तो पहनना ही पड़ेगा। खतरा बाकी घर वालों पर नहीं, अनन्या पर है। गिराते भी खुद हो और बचाते भी खुद हो। I'm sorry, वो मेरा ध्यान नहीं था। By the way, कपड़े अच्छे पहने हैं तुमने आज। Thank you. अब तुम मुझे मिली गई हो तो चलो मेरे साथ, घर में पूजा है, माँ को भी अच्छा लगेगा। शायद परी बनाने ले जाएगा मुझे बालवीर। ओके चलो, चलती हूँ। तुम्हारे साथ जाने के लिए कैसे मना कर सकती हूँ? जब भी कोई काम करवाने वाला था ये बालवीर बीच में आ जाते। अब सब लोग अपने हाथ आगे करो,
मौली बाननी। नहीं। क्या नहीं? मैं ये मौली नहीं बांधू। अरे ये तो पूजा का पवित्र धागा है, शुभ होता है ऐसे बांधना तो। हाँ लेकिन तू बांधू? नहीं माँ। हाँ बांधिए। अरे हाँ कि नहीं? माँ मौली बांधिए लेकिन ये वाली नहीं। ये सबके हाथों में ये हल्दी वाली मौली बांधिए, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है और मार्केट वाले आर्टिफिशियल धागों से बहुत अच्छा है, इसका रंग भी नहीं निकलेगा। लेकिन भैया ये वाली मौली तो माने भगवान के सामने रखी थी, सो इस पे भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन आपकी वाली मौली तो भगवान के सामने नहीं रखी थी, सो इसे पहनने के बाद हमारे साथ कुछ बुरा हो गया तो? बोलो नहीं सुनो, जब भी बोलो शुभ शुभ बोलो, समझाया था ना? सॉरी। देबू ने इतने प्यार से बनाई है तो इसमें भी भगवान का आशीर्वाद होगा, तो यही बांधेंगे। ला हम सब मार्केट जाएंगे नए कपड़े मिठाइयां और लक्ष्मी गणेश जी की नई मूर्ति खरीदने के लिए। ये शॉपिंग। हाँ और मुझे भी दिवाली के लिए न्यू ड्रेस लेनी है। बेचारा दुकानदार। हाँ चलिए चलिए दीदी चलिए चलिए। भैया आपने आ रहे हमारे साथ? नहीं विवान, मुझे वीरलोक में थोड़ा जरूरी काम है, लेकिन तुम जाओ और हाँ सबका ख्याल रखना। सबका ख्याल रखना क्यों? बाहर कोई खतरा है क्या? क्या इसलिए आप सुबह से इतने परेशान हो? विवान को परेशान करके मुझे इसके त्योहार का उत्साह कम नहीं करना चाहिए। नहीं विवान ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यही कह रहा था कि खतरा तो किसी भी जगह पे हो सकता है, तो माँ खुशी अनन्या तुम सबका ख्याल रखना और कुछ नहीं। जाओ। मम्मी वो देखो, वो आगे से लेते हैं ना, आगे भी दुकान है। हाँ। विवान हाँ। ये देख ये स्पेशल दिया खरीदा है, कैसा है? अच्छा अच्छा। इसको ना बहुत ज्यादा संभाल के रखना। हाँ माँ हाँ। और इसमें मूर्तियाँ हैं? हाँ। अच्छा माँ हाँ, पिछले एक घंटे से शॉपिंग कर रहे हैं, अब तो घर चलते हैं ना, मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। अरे बोलो नहीं सुनो, अभी तो मिठाइयाँ लेनी भी बाकी हैं, फिर चलते हैं ना घर। मिठाइयाँ उधर है खुशी, चल। अरे मम्मी एक सेकंड, और विवान ये मेरे कपड़े हैं, इनका ख्याल रखना। और मम्मी अब मुझे बस एक हेयर बैंड और चाहिए। अरे दीदी एक हेयर बैंड क्यों, आप तो अगली दिवाली की भी शॉपिंग कर लीजिए ना। नहीं नहीं कीजिए। वैसे मम्मी इसका आइडिया बुरा नहीं है, चले। अरे चलो। अरे एक सेकंड, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, इससे ज्यादा बैग नहीं पकड़ सकता। थैंक गॉड विवान तुम मिल गए, मेरे तो हाथों में दर्द हो रहा था ये बैग्स पकड़ के। दीदी आपने ये इतना सब क्या खरीदा है? अरे मैं ड्रेसेस ले रही हूँ ना स्पेशल डे पे पहनने के लिए। दीदी कोई 10 दिन की सेरेमनी नहीं है, एक ही दिन की काफी है। वीर लोग ने एक जाइए जाइए। वीर लोग में एक ही गाउन रोज पहन के घूमूंगी तो अच्छा तो है ना लगेगा। दीदी मैं तो कहूंगा शौर्य से कि आपको शॉपिंग परी बना दे। ऐसे भी कोई परी होती है क्या? नहीं। अच्छा विवान यहाँ पे 10 मिनट और रुको प्लीज, मैं 10 बैंगल्स और लेके आती हूँ, ठीक है? यहीं पे रुकना, कहीं मैं जाना पाए। 10 बैंगल्स? अरे अरे जाओ
चूड़ियों की दुकान में। तुम्हारे लिए चूड़ियां लाने? लो, आखिर दोनों बालवीर से डर कर तुमने चूड़ियां पहनने का सोच लिया। ये मैजिकल बैंगल लो और जाकर उन चूड़ियों की दुकान में सारी चूड़ियों के साथ रख दो। एंड मेक श्योर कि अनन्य उन चूड़ियों के साथ साथ ये बैंगल भी ट्राई करने के लिए जरूर पहने, वरना ऐसा मेकअप करूंगा कि खुद को पहचान नहीं पाओगे, समझे? जाओ। जाता हूं, जाता हूं। बबल्स बंद क्यों नहीं दिए? बैठे बैठे कुछ तो अच्छा काम किया। एक सेकंड। मैं तो अच्छा काम करने गया था, ये गड़बड़ कैसे हो गई? अरे कोई बचाओ रामू काका को, कोई उतारो मुझे नीचे। अरे अरे बचाओ, उतारो मुझे नीचे जी। कहाँ फंस गया भाई? आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। सॉरी हाँ, मैं ठीक है जी। दीदी हो गई क्या आपकी शॉपिंग पूरी? हाँ मेरी शॉपिंग तो कब की हो गई? वैसे भी मैं ज्यादा शॉपिंग थोड़ी करती हूँ। अच्छा, हम करुणा आंटी और खुशी का वेट कर ले। हाँ, वो सारे बैग उधर ही। अच्छा सोचा कि अंतरा, इसका मतलब बालवीर शंका की उस बुरी शक्ति से मिलने जा रहा है। आओ बालवीर। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। विवान में पकड़ लूं? पूरे रास्ते में तो आपने पूछा नहीं और अब घर पे आके पूछ रहे हो? अब क्या? दीदी आपने तो मुझे हीरो नंबर वन से कूली नंबर वन बना दिया। थक गए हो तो थोड़ा मैजिक यूज कर लो ना विवान। नहीं दीदी, ये रूल हमेशा याद रखना कि हमें मैजिक सिर्फ और सिर्फ दूसरों की हेल्प के लिए यूज करना है और हम उसे अपनी हेल्प के लिए मिसयूज नहीं कर सकते। पहले मैजिक मिले तो सही, फिर सब रूल्स याद रख लूंगी। वैसे विवान मुझे वीर लोग जाने के लिए थोड़ी ड्रेसेस ट्राई करनी है, तो मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है? अरे दीदी लेकिन आपने शॉपिंग करते वक्त भी तो ट्रायल किया था ना। जब तक हम गर्ल्स दो तीन बार ड्रेसेस ट्राई ना कर लेना तब तक हम लोगों को सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो मैं ट्राई करके आती हूँ, तुम यहीं रुकना, मुझे बता के जाना मैं कैसी लग रही हूँ। क्यों कर रहे थे मेरा इंतजार? आखिर क्या बात करना चाहते थे तुम? क्या वीर लोग कांड करने वाले हो? मैं बिना शक्तियों का निहत्था कैदी हूं यहाँ। मैं क्या तबाही मचाऊंगा, लेकिन जो राज की बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसके बाद अपने हाथों से तुम खुद तबाही मचाओगे वीर लोक में। तुम जो भी चाल चलने के बारे में सोच रहे हो मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। चाल चली जा चुकी है पर मैंने नहीं चली और चलने की कोशिश भी मत करना। Thank you.
अच्छा होता है, लेकिन जब तक मेरी बात पूरी ना हो इसे बेकार मत करो, संभाल के रखो इसे, क्योंकि यही गुस्सा तुम्हारे अंदर की आग बनकर एक दिन वीरलोक को जला देगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.